आदाब नाजरीन, आईए एनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। इस घटना के विरोध में देश में जगह जगह कैंडल लाइट प्रोग्राम्स और जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन समारोह किया जा रहा है। उसी के भाग में आज पीस कमेटी हैदराबाद के गुलाम साहब और शर्मा साहब के सदारत में यहाँ का ये प्रोग्राम किया गया। हम लोग भी उन जवानों के उनके फैमिली के साथ जो उनकी दुख की घड़ी है हम उनके साथ हैं और हम ही नहीं पूरा देश उनके साथ है ये मैसेज देने के लिए ये छोटा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। मैं आप लोगों से के माध्यम से पब्लिक को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें उन सबों को ये मैसेज देना चाहिए कि हमने ऐसे किसी भी मौके पर नाजुक मौके पर अपने को कमज़ोर नहीं किया है बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत किया है और आज ये मौका फिर पहले से ज़्यादा मजबूत होने का है। हमको अपनी एकता बनाए रखनी है, हमको अपने सिद्धांतों पर अटल रहना है और हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो मादा रखते हैं उसके लिए हमको खुद भी तैयार रहना है और लोगों को भी ये मैसेज देना है कि कोई भी कंट्री अपने सिटीजन्स के अपने जो उसके नागरिक होते हैं उनके लॉयल्टी पर ही निर्भर है, डिपेंडेंट है और हम लोग सब अपने कंट्री को अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस माहौल में भी हमको अपने पीस को बनाए रखना क्योंकि देश को आगे बढ़ने के लिए जो पीस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी में हर आदमी एक दूसरे से मिल के चले और इसी के लिए ये प्रोग्राम और ये पीस कमेटी का हमारा एक मेन एजेंडा हुआ करता है। उसी को हम आज फिर से दोहराते हैं कि हम सब मिल के रहेंगे और ऐसी हर चुनौती का सामना करके पहले से बेहतर और पहले से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।